दीपों और रोशनियों का त्यौहार दिवाली कार्तिक की अमावस हर साल बड़ी धूमधाम से जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए तो उस वक्त अंधेरी रात थी उस दिन जो चिरागा हुआ उससे दीपावली कहलाता है कहलाता रहे यहाँ मैं जनता 100 करोड़ पूरी 27 तारीख की शाम को ये दिवाली मनाएगी दिवाली की खुशियां और फेस्टिविटी आज सरकार की तरफ से जो एक बहुत अहम हिस्सा है दिवाली की Thank you.
کے ساتھ ان تمام واقعات کے ساتھ ان تمام اوتاروں کے ساتھ ان تمام کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں گی کہ اللہ کرے نہ صرف آپ کے گھروں میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ مہار واقعانی سردشیف لائے توڑی نا تیری مہربانی جیو یو نہ پرچھو دیا شروع میں جنے پنڈت اشوک کمار آئے ہو اردو میں بات کرو سبھی شروع میں جب پنڈت اشوک کمار آیا اس نے ایک گنیش بھگوان کی استوتی کی اور اس نے کہا کہ اپنے سارے مکھ پوتر کرے مگر کچھ لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو گانا چاہیے تھا تو اب ایک اچھی سی دھنی کے ساتھ ہم اپنی میں بات کو آغاز کروں گا جے رادھا گووند جے بنسی بہاری جے رادھا مادھو جے کنج بہاری جے پتہ نہیں یہاں پہ ہندو کمیونٹی ہماری ہے یا نہیں ہے میں ساری کمیونٹی کو کیونکہ دیوالی یہ میسیج آف انٹر فیتھ ہارمنی صرف دیوالی یہ نہیں ہے کہ بھائی رام چندر بھگوان آیا اور اس کو ویلکم دیوالی یہ میسیج آف انٹر فیتھ ہارمنی اور انٹر فیتھ منسٹری جو یہ پروگرام کرتی ہے اچھی بات ہے اور یہ اسی وجہ سے پروگرام کرتی ہے کہ دیوالی ہو ہولی ہو ایسٹر ہو یہ ہم مل کے منائیں اگر سیرت کانفرنس ہو تو ادھر بھی مل کے وہ منائیں جب لاسٹ ٹائم سیرت کانفرنس تھی میری خواہش تھی کہ میں وہاں پہ میری تقریر ہو کہ میں ان کو بتاؤں کیونکہ میں نے پاک قرآن شریف کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے میں نے بائبل بھی کافی پڑھا ہوا ہے میں شریمد بھگوت گیتا کا روزانہ پاٹھ کرتا ہوں جس وقت سے کیونکہ پہلے بابا کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے بعد میری زندگی میں کوئی دن نہیں ہے جس دن میں نے بھگوت گیتا کا نیم نہیں کیا ہو صبح اور شام دو مرتبہ یہی میرے پاس بھگوان کی شکتی ہے جس کی وجہ سے میں حق اور سچ کی آواز کے اوپر ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں بات کی گئی ہماری کمپیئر نے کہا اوم تھوڑی سی نالج ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں اوم ایک ایسا اچار ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کے اندر آپ چاہے آپ کی زبان ہے یا نہیں ہے مگر آپ اوم جو ہے وہ آپ پھر بھی اچار کر سکتے ہیں کیونکہ الف اور میم میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی او یہ اوم نام کیوں پڑا لوٹ جیسے کہتے ہیں تجھے رام کہوں یا شام کہوں ایشور کہوں یا اللہ ایک ایسے سسٹم چلا کرشن بھگوان آیا رام چندر بھگوان آیا بہت سارے پیغمبر آئے
जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवता। मैं चाहता हूं, मैं तो लेक्चर देता हूं एथिक्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं लेक्चर देता हूं, स्टाफ कॉलेज में जाता हूं मैं, डिप्लोमेसी के ऊपर लेक्चर देता हूं मैं ज्यादातर। मुझे कहते हैं कि आपके काम नहीं रुकते, मैंने कहा इस्लामाबाद की और पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें 50% मेरी शागिर्द है, क्योंकि मैं स्टाफ कॉलेज भी जाता हूँ, निम्स भी जाता हूँ, मैं हर जगह पे लेक्चर देता हूँ और लेक्चर देता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे एथिक्स के ऊपर मास्टरी है। आज भी मुझे कहते हैं आप 18 साल हो गए हैं, आप अपने इसलू की सियासत नहीं छोड़ते हैं, आप इस पार्टी से उस पार्टी में तो चले जाते हैं मगर आप इसलू की सियासत के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, अदाकारी नहीं है। हम लोगों ने अदाकारी बनाई है, हम लोगों ने अदाकारी बनाई है कि आज इधर है तो उसको गाली देना है, उधर है तो उसको गाली देना है। नहीं, ये हमारा अखलाक नहीं है। हमारा अखलाक हमारे अपने पास है, हमारे लीडर के पास नहीं है। हमारा लीडर हमारा रोल मॉडल जरूर होता है मगर हमारा अखलाक हमें यकीन दिलाता है, हमें अपने सोच देता है कि अगर आपका लीडर भी गलत करता है तो आप उसको कहें कि आप ये गलत है। यहाँ पे मुझे बहुत कभी कभार मैं सोचता हूं कि यार मैं पाकिस्तान की सियासत में अनफिट हूं, क्योंकि यहां तो उन लोगों को पसंद किया जाता है जो गाली दे ये दे। मुझे हर उस इंसान के साथ हमदर्दी है जिसकी तकलीफ में अगर कोई तकलीफ हो। आपकी दिवाली ये नहीं है, ये दिवाली का ये कॉन्सेप्ट मैं हफ्ता पहले निकल गया थर पार करके अंदर जाके उन गरीब घरों के अंदर गया, उनको जाके राशन पहुंचाए, बेवाओं के पास गया उनको जाके पहुंचाए, उनको सिलाई मशीनें लेके दी। मुझे आज खुशी है कि मेरे बच्चे, आज मेरी बेटी मुझे कहा कि पापा दिवाली में ऐसे नहीं मनाऊंगी, आज धनतेरस से गोल्ड पहले लेने नहीं जाऊंगी, मैं आज उन माजूर बच्चों को देखने जाऊंगी, उनके साथ दिवाली मनाऊंगी। ये हमने अपने वालिद के साथ दिखा। आज मेरी बेटी दारुल सेहत हॉस्पिटल के अंदर एक एक बच्चों के साथ जा रही है, जाके उधर गिफ्टें दे रही है, मना रही है। मैंने कहा ये मैंने अपने वालिद से सीखा, आप मुझसे सीख रही हो। ये नक्शे कदम होता है। मैं आज मेरा मूड नहीं था, आज मैंने बैठ के आफ्ताब जहांगीर साहब को मैंने कहा कि यार आज परफॉर्मेंस करने वाले बहुत लोग हैं तो आज हम तकरीर नहीं करते हैं, आज हम ऐसे ही परफॉर्मर देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जब आता हूँ तो ऐसी बातें कर देता हूँ, कमज़ोर दिल का बंदा हूँ, आंसू आ जाते हैं क्योंकि दिल में दुर्दर्द बहुत है, रोता भी हूँ, किसी का तकलीफ में देखता हूँ। ये मैं नहीं देख सकता कि उकाड़ा के अंदर मैंने 5 साल के बच्चे को इस तरीके से जालिम टांग के और जुल्म देख रहा है, ये वो देख सकते हैं जो बेरहम है, हम लोग नहीं देख सकते। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। मुझे कहा कि धर्म हमारा सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म मीन्स सच, सच की जीत, और ये हर रिलीजन सिखाता है। मुझे कहा कि कश्मीर में ये हो रहा है तो खान साहब ने 2-3 मरतबा बात की हिंदुत्वा की, तो मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा हर रिलीजन, हिंदुइज्म हो, बाइबल हो, इस्लाम हो, और इस्लाम के हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है मेरे सबसे ज्यादा अमेरिकन से मेरे तलकात अच्छे हैं, मैं उनके साथ डायरेक्ट टच में हूं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे एम्बेसिडर हो, चाहे कौंसलेट जनरल हो, डायरेक्ट उनके साथ में, मेरे जितने तलकात हैं उतने और किसी के नहीं है। मोदी अगर कश्मीर के अंदर यह जुल्म कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुइज्म सिखाता है, नहीं, ये वही सोच है जो यहां पे तालिबान करके बैठे हैं, वही सोच उसकी है जिसकी वजह से वो जुल्म हो रहा है। तो हमें रिलीजन को नहीं, ये हमारा फेल्यूर है जब हम रिलीजन को लेके आते हैं। मैंने अपनी लीडरशिप को भी कहा, मैंने कहा खान साहब अगर आप हिंदुत्वा की बात करेंगे तो आप अपने मुल्क के अंदर भी परेशानी देखेंगे और बाहर भी परेशानी देखेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो हिंदू कम्युनिटी पूरे दुनिया में बसती है
और उसके भी अपने लिंक है। हमें इसको इंसानियत के मैटर के ऊपर आगे लेके जाना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे आज शाम और तुर्की का मैटर हो, चाहे कहीं पे भी, चाहे फलस्तीन का मैटर हो, हमें कम से कम इंसानियत की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और ये जो बड़े दिन है, दिवाली हो, होली हो, ईस्टर हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़े, हजरत इमाम हुसैन क्या था, आप इन हिस्ट्री को पढ़े। यही पंडित हमारे थे लाहौर से जिसने अपने खानदान को, आज भी वो सभी ने हमारे पास थरपारकर में लगती है। हमें ये नहीं महसूस होता कि ये जुलूस जो है ये उनका जा रहा है या हमारा जा रहा है, हम उन जुलूसों में साथ घूमते हैं, अपने घोड़े सिंगारते हैं। ये इंटरफेथ का मैसेज था जो आखिरी पैगंबर भी देकर गया था। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूं, मैं एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे सारे उलमा बैठे थे, मैंने हजूर के शान में एक नात पढ़ी थी, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, हमें समझ कर फकत अपना, हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। सही पढ़े रिलीजन को, मदीना रियासत ये नहीं है। मैं अफसोस करता हूं, किसी दिन मैंने जब असेंबली बनी पहली यहां पे, तो हमारी पहली पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा सर मैं लेक्चर देता हूं एथिक्स के ऊपर और हर रिलीजन के ऊपर लेक्चर देता हूं, आप कम से कम महीने में एक दिन रखेंगे, मैं सारे पार्लियामेंटेरियन को भी लेक्चर दूं कि हमारा इखलाक हमें क्या सिखाता है। तो मुझे हमारे एक बहुत अच्छे एमएनए ने कहा, उसने कहा कि आप जो लेक्चर देना चाहते हो वो प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं है, वो आपका लेक्चर हम क्या सुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी पसंद नहीं है। क्या मदीना रियासत ये थी कि दुश्मनों को गले लगाया गया, ककड़ी फेंकने वाली की तबीयत पूछने चला गया, ये मदीना रियासत थी। मदीना रियासत के अंदर एक एक अल्फाज जो निकलता था वो मोहब्बत का अल्फाज निकलता था, गाली गलौच नहीं निकलती थी। हम तो सच बताऊं बीमारी के ऊपर भी सियासत करते हैं बहुत ज्यादा, इतनी सारी बातें हैं इन दिनों के ऊपर, नहीं चाहता कि मैं ये बात करूं, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरा मुल्क जिस जगह यहां पे पहुंचा हुआ है, किसी ने कसर नहीं छोड़ी, जिस जिसको जब जब टाइम मिला कभी उसने अपने वायदे के ऊपर बात नहीं की। वायदा, मैं अपने साथ वायदा बताऊं, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कमिटमेंट थी कि यहां पे नॉन मुस्लिम जो है इसका चेयरमैन लगेगा, क्योंकि वहां पे 1222 मंदिर है, 588 गुरुद्वारे हैं, मगर वहां पे फिर भी हिंदू कम्युनिटी को आउट किया गया। ये जो चीजें ना, ये शुरू की सियासत नहीं है। फिर कहते हैं कि बरकत खत्म, भाई खुदा जब जुल्म होता है तो बरकत तो खत्म होती है, आप अच्छे नेक काम करें तो आपके ऊपर बरकत बसती रहती। ये नहीं कि मैं आपके सामने कहता हूं, मैं सामने भी बात करता हूं क्योंकि मेरा अंदर साफ है और मुझे मेरी मां की शक्ति है, और मेरे पास जो शक्ति है इस वजह से मुझे डर नहीं लगता, और सच और हक की हमेशा जीत होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं अपने जब मंदिर में जाता हूं, नवरात्रे जब होते हैं, साल में 2 मरतबा 9 दिन के व्रत रख के जब पहुंचता हूं वहां पे, हवन करता हूं, तो एक ही मेरी
आवाज होती है, बचड़ो मां तुह जो आया पक तू मेहर कंदिए छोत तू आ मां दुख्यो की दिसंदिए ओ मेहर जी चादर सा ढक तू मुखे मां हथड़ा बदी तो के मार दास कया माता मिठी मिठी माता मिठी माता मिठी मिठी माता मिठी। बहुत इतनी चीजें हैं जहन के अंदर, बहुत सारी परफॉर्मेंस देखनी है और आज हमारी बहन वजिया अकरम जो है वो भी यहाँ पे आई हुई है। मुझे कहा कि मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, मैंने कहा आपकी यहाँ पे आना और आपकी तरफ से शुभकामनाएं कहना ये भी हमारे लिए बहुत है कि आज यहाँ पे आप हमारे साथ शामिल हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इंटरफेथ हारमोनी को मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी त्यौहार हो, एक दिन या दो दिन प्लस माइनस या आगे या पीछे, आप इसको आगे नहीं किया करो। और उन्होंने मेरी इस बात के ऊपर अमल किया है। आज धनतेरस है, कल और परसों हमारी दिवाली शुरू हो रही है, तो आज के दिन के ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत Thank you.